आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। देश भर में पांचवां जन औषधि दिवस 2023 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मनाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संजय गांधी पुरम फैजाबाद रोड लखनऊ में जन औषधि दिवस मनाया गया। इस मौके पर तमाम बड़ी हस्तियों के अलावा सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि के ऑनर और उत्तर प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय शुक्ला ने बताया कि यह व्यवस्था समाज में सबके लिए बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है। जन औषधि केंद्र की टोटल लखनऊ शहर के अंदर अब 100 सेंटर्स हो गए हैं और इस समय जो आज कल हम लोगों का मेन प्रोग्राम चल रहा है वो हर साल, ये हमारा पांचवा साल है जिसमें हम लोग 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह मनाते हैं। इसमें पहली 1 तारीख को हम लोगों ने एक LED वैन अपने अयोध्या रोड स्थित जो सेंटर है हमारा वहाँ से निकाली थी, जो पूरे लखनऊ शहर में घूम रही है और वो जेनरिक दवाइयों का बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। 2 तारीख को हम लोगों ने एक पैदल मार्च निकाला था जो लखनऊ के हर सेंटर से निकला है, 1.5 किलोमीटर का पैदल मार्च, जिसमें हमने लोगों को जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हम लोगों ने वो मार्च निकाला था। 3 तारीख आज के दिन हम लोगों ने मातृशक्ति के लिए एक आयोजन किया था जिसमें हम लोगों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं और समाज के प्रति वो अपना दायित्व निभा रही हैं, जैसे कि आशा बहुएँ बहुत सारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों से बिजनेस कर रही हैं औरतें आज की तारीख में, तो एक इसके लिए 7 दिनों के प्रोजेक्ट में एक हमारा 3रा दिन जो है एक इस तरीके का मातृशक्ति सम्मान था, उसमें हम लोगों ने सम्मान किया है। तो आज 55 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से थीं, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हेड ऑफिस से भी लोग रहते हैं, जो BPPI का हेड ऑफिस हमारा भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मिस्टर नितिन सिंह भी मौजूद रहेंगे। और 4th दिन का कल जो हमारा प्रोग्राम है आओ बाल मित्र बने, स्कूलों में हम लोग इसका आयोजन करेंगे जहाँ छोटे छोटे बच्चों को हम लोग डिफरेंट तरीके से छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स देंगे जिसमें चॉकलेट्स होंगी, बैलून्स होंगे। जब वो अपने घर उनको ले कर जाएंगे उन गिफ्ट हैम्पर्स के, तो अपने घर वालों को भी बताएंगे और उनको इस चीज़ का एहसास कराएंगे कि जन औषधि वालों ने हमें ये चीज़ें उपलब्ध कराई जिसमें इम्यूनिटी बार हमारा प्रोडक्ट आता है, जो बच्चों के लिए बच्चे चॉकलेट्स खरीदते हैं इतनी महंगी और दांत भी अपने ख़राब करते हैं अगर उसकी या वो इम्यूनिटी बार खाते हैं, तो उससे उनको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। इस तरीके के हम लोगों का 4 तारीख का बच्चों का प्रोग्राम है। 5 तारीख को इसी सेंटर पर अयोध्या रोड पर हम लोगों ने एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जो पूरे लखनऊ शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी जन औषधि के सेंटर्स हैं सारे सेंटरों पर लगाया जाएगा, जिसमें जाँचें मुफ्त करी जाएंगी, दवाइयाँ जो उस दिन डॉक्टर्स लिखेंगे वो मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी तरीके की डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी की जाँचें लिखेंगे उनको भी हम लोगों ने फ्री में कराने की व्यवस्था करी है। 6 तारीख को फार्मेसी कॉलेज पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर हम लोग आओ जन औषधि मित्र बने प्रोग्राम के अंतर्गत जो नए फार्मासिस्ट डेवलप हो रहे हैं हम लोगों को उनको बताना है कि जन औषधि परियोजना क्या है, उसके विषय में हम उन्हें बताएंगे। और 7 तारीख को हमारा इसका समापन होता है जिसका में माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ लाइव जुड़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस बार का हमारा प्रोग्राम राजभवन में है जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदया रहेंगी, इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्य मंत्री स्वास्थ्य भी रहेंगे, जिसमें हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में जो बेस्ट जिसने सेल करी है यूपी में उसको जो बेस्ट महिला, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी अपनी दुकानें खोली हुई हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाएगा। एक सम्मान हम लोग देते हैं जन औषधि मित्र का, जो लोग आपस में जाकर एक जगह दूसरे लोगों को इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि जन औषधि क्या और अधिक से अधिक लोगों को जन औषधि खरीदनी चाहिए, उनको हम लोग जन औषधि मित्र बोलते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल महोदया की तरफ से। इसके अलावा एक हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन सम्मान होता है, वो सारे सम्मान इस बार 7 तारीख को राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदया के हाथों से उन लोगों को दिए जाएंगे। और बेसिकली ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जिससे जनमानस को इसका लाभ मिल सके। जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में 50 से
90% तक के रेटों की कमी है, तो लोगों का ये पैसा बच सके यही मोदी जी की परियोजना है और हम लोगों का इसीलिए अधिक से अधिक प्रयास इसीलिए रहता है कि हम लोग अधिक से अधिक जन औषधि को प्रमोट करें। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।